नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे टू वे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें एक चाहिए होल्डर और दो हमें टू वे के स्विच चाहिए। देख लीजिए, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं और हमने इसको लगा लिया है बोर्ड पर। बोर्ड को लगाने के बाद अब हम इसमें करेंगे इसकी वायरिंग। तो आप इसको ध्यान से देखिए, वायरिंग के लिए हमने दो तार ले लिए अलग अलग कलर की। अलग अलग कलर हमने इसलिए लिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, आप एक ही कलर की भी ले सकते हैं। और हमने इसके दोनों तारों को अपने होल्डर से कनेक्ट कर लेना है। अब होल्डर की वायरिंग करने के बाद अब हमने इस पर जो इसकी ब्लू वाली वायर है ये हमने फेस से कनेक्ट करनी है। तो हमने इसके जो हमारे टू वे स्विच के जो दोनों मिड वाले टर्मिनल से बीच वाले हमने इस पर दोनों कनेक्ट कर लेनी है। एक हमने होल्डर से जो आ रही है हमने एक इस पर ये कनेक्ट करनी है, और जो हमारी जो दूसरी तरफ साइड से कनेक्ट हुई है वो हमारी डायरेक्ट मेन लाइन से आएगी पॉजिटिव वायर, और जो हमारी वाइट वाली ये हमारी नेगेटिव होगी और ये जो ब्लू वाली होगी हमारी पॉजिटिव वायर होगी। तो और जो इसमें हमारे जो स्विच बोर्ड हैं इसमें जो तीन टर्मिनल है, जो तीन में ऊपर और नीचे के जो टर्मिनल्स है इसमें हमने दो वायर अलग से काट के इसमें जोड़ लेने हैं, ये हमारी पैरेलल जुड़ेगी। आप देख सकते हो हमने जोड़ लिया है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है इसके। जो हमारे ऊपर वाले टर्मिनल हैं उन दोनों को एक साथ जोड़ना है, और जो इसमें मिड वाले टर्मिनल से एक इसमें हमारा बल्ब से आएगा और एक डायरेक्ट लाइन से आएगा। देखिए हमने जोड़ लिया, अब हमने होल्डर पर लगाना है बल्ब, और देखिए हमारा बल्ब जल चुका है। और अब हम इसमें किसी भी एक बटन को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और कहीं से भी इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है सीढ़ियों में, जैसे ऊपर हमें ना जाना पड़े, हम नीचे से भी कंट्रोल कर लें और ऊपर से भी कंट्रोल कर लें, या घर पर अंदर और बाहर से अगर हमें कोई बाहर पे कनेक्शन करना है तो बाहर से भी ऑन हो जाए और अंदर से भी ऑन हो जाए, तो इसलिए ये होता है। तो आज का वीडियो हमारा यही था दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे इस वीडियो को ऐसे प्यार देते हैं।